अगर आप अपने आईफोन का डेटा अपने विंडोज लैपटॉप में ट्रांसफर करना चाहते हो और विंडोज का डेटा अपने आईफोन में लेना चाहते हो तो इस वीडियो के हेल्प से आप बहुत ही सिंपल तरीके से आप अपने डेटा को ट्रांसफर कर पाओगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट कर। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने गूगल क्रोम पे जाना है। गूगल क्रोम पे आने के बाद आपको यहाँ पे iTunes नाम की जो ऐप है, ऑफिशियली एप्पल की ऐप है, इसको आपको जो भी इसका लेटेस्ट वर्जन चल रहा हो उसको आपके कंप्यूटर के हिसाब से आपको इंस्टॉल कर लेना है। लाइक 64 bit, 32 bit, जो भी आपको सपोर्ट करता हो आपका पीसी, उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे इसको पहले आप ओपन करके इंस्टॉल करके पूरा सेटअप करके यहाँ पे रख लो। देन सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने आईफोन का डेटा या फोटोज़ है वो आप लैपटॉप में कैसे ट्रांसफर कर सकते हो या पीसी में कैसे ट्रांसफर कर सकते हो। तो सिंपली आपके फ़ोटो जहाँ पे भी हो उसको नॉर्मली सेलेक्ट करो, उसको वहाँ से कॉपी करके देन यहाँ पे पेस्ट कर दो, तो ये इजीली यहाँ पे हो जाता है। देन बट क्या होता है, लैपटॉप का डेटा आईफोन में ट्रांसफ़र करना काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है। तो ये वो हमारी iTunes ऐप है, वो हमें हेल्प करती है इसको करने में। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो जब आप इसको पहली बार करोगे तो आप इसको यहाँ पे आपकी पॉपअप स्क्रीन आएगी अपने के आईफोन पे, तो वहाँ पे आपको ट्रस्ट पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आपको अपना पासवर्ड डाल देना है। आपको अपने आईफोन को कनेक्ट रखना है। कनेक्ट रखने के बाद आपको यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे छोटा सा एक आइकन आपको दिख रहा होगा आईफोन का, आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है। देन यहाँ पे इसके टर्म्स को आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको डोंट इनक्रिप्शन पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। यहाँ आपकी पूरी डिटेल्स आ जाएंगी जो भी आपके फ़ोन की है, जो आपकी रैम है, स्टोरेज वगैरह, कौन सा मॉडल है, कौन से अपडेट पे आप चल रहे हो, वो सब यहाँ पे आपको दिख जाएगा। लेफ्ट साइड पे आप देखोगे आपको यहाँ पे जो भी आपको ट्रांसफ़र करना है सबकी मेथड सेम है, आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे अभी हमें फ़ोटोज़ और वीडियोस ट्रांसफ़र करना है, तो मैं फ़ोटोज़ वाले सेक्शन पे ले आता हूँ और मेरे को एक फ़ोल्डर ट्रांसफ़र करना है, तो मैं इस पर रहने देता हूँ। देन मैं इस पर क्लिक कर दूँगा, यहाँ से फिर मैं अपना फ़ोल्डर सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर चूज़ फोल्डर पर जाऊँगा, उसके बाद जिस भी फोल्डर पर जो है मेरी जो फाइल्स हैं या फ़ोटोज़ हैं मेरे को उस पर चले जाना है। तो यहाँ पे जैसे मेरा एक फ़ोल्डर यहाँ पे बना हुआ है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट फोल्डर, देन यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है। डन के बाद यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आप देखोगे ऊपर यहाँ पे सेंडिंग स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ से आप सिंपली आपकी फ़ोटोज़ ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो गई। और जितनी बड़ी फाइल होगी उतना टाइम ये लेगा और बहुत ही जल्दी आपकी सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को आपके आईफोन में ट्रांसफ़र कर देगा। देन उसके बाद अपने फ़ोन पे देखोगे तो आपको यहाँ पे आपकी सारी जो फोटोज़ थी वो यहाँ पे शो होने लगेंगी। आई होप आप लोग समझ गए होगा, अब आपको आईफोन के डेटा को ट्रांसफ़र करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो आपको एक चीज़ में और प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में, उस वीडियो को लाइक करने में। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।